तो फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं आज कचनार की ये सब्जी। तो ये कचनार बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो कभी कभी इस मौसम में मंडी में आती है और इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हो ये करीब 200 ग्राम है, तो इसमें फूल निकल गए हैं। तो दो तरीके से कचनार आती है, इस तरीके से कली वाली भी आती है और इस तरीके से फूल वाली। तो सबसे पहले हमने इसको साफ करके ले लिया है प्लेट में, तो उसकी बनाने की विधि मैं आपको बताती हूँ। चलो फिर बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए हमने एक पतीले में पानी बॉइल करने रख दिया है, तो इसमें ही हम डाल देंगे ये कचनार के फूल। तो इस फूल को हमने उबाला दिलाना है 5 मिनट के लिए। इसमें हमने डाल देना है आधा चम्मच नमक और अच्छे से इसको हिला देना है। तो 5 मिनट इसको उबाल लेंगे। तो ये 5-7 मिनट बहुत बढ़िया से बॉइल हो गए। अब गैस को कर देते हैं बंद, फिर इसको छान लेते हैं। तो एक छन्नी में इसको छान लेंगे और इसका पानी जो है अच्छे से निचोड़ने देंगे, जब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो कचनार की सब्जी बनाने के लिए हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, तो सरसों के तेल में ही बनाएंगे इसको, तो टेस्टी बनेगी ये। तेल को पका लेते हैं। अभी ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हींग, और यहाँ हमने रख रखा है बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। अदरक और लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे ये प्याज और हरी मिर्च। इसको भी हल्का सा ब्राउन होने देंगे। इसको थोड़ा सा चटपटा बनाना पड़ता है, तो हरी मिर्च वगैरह मैंने बढ़िया से डाली हुई है। तो प्याज भी हमारे ब्राउन हो गए हैं, बहुत बढ़िया से पक गए हैं। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो मसाले में हम डालेंगे सबसे पहले ये थोड़ा सा नमक डालना है हमने, क्योंकि पहले भी ऑयल करते टाइम नमक डाला है तो उसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो अभी डाल देंगे हम इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, और लाल मिर्च डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। तो ये सारे सूखे मसाले डाल लिए हमने। तो अभी इसमें आधा चम्मच जाएगा फ्रेंड्स ये आमचूर, तो इसमें आमचूर जरूर डालते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हल्का सा मसालों को रोस्ट कर लेंगे प्याज के साथ। तो साथ में ही अब डाल देंगे हम टमाटर। तो ये प्यूरी ली है मैंने, थोड़ी सी डाल दी मैंने टमाटर की प्यूरी, पीस के ले लिए हैं, हल्का सा भूनेंगे इसको। तो आप देख सकते हो मसाला हमारा कितना परफेक्ट बन गया है। तो मसाला हमारा बहुत बढ़िया से भुन गया है। तो जो फूल हमने बॉईल करके रखे हैं फ्रेंड्स, पानी भी निचोड़ गया है इसका। तो अभी हम इसको डाल के 5 मिनट के लिए पकाएंगे, तो सिम गैस पे पकाएंगे इसको। तो 5 मिनट के लिए हम सिम गैस पे इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये मसाले के साथ भुनने लगी है बहुत बढ़िया से, फूलों के अंदर भी अच्छे से मसाला चला गया है। तो सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है फ्रेंड्स बनके। आप देख सकते हो देखने में कितनी लाजवाब लग रही है, जिस तरीके से हम भिंडी बनाते हैं मसाला भिंडी, इस तरीके से ये लग रही है। तो खाने में भी ये वैसी ही लगती है। अब लास्ट में डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया। फ्रेंड्स ये कचनारी की सब्जी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो आपको ये तरीका कैसा लगा मेरा? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, तो साथ में बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।